You're suspecting you had a jaw fracture and you don't know how to proceed. Watch this video to know everything about jaw fractures. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. Jaw fracture, aksar road traffic accident, interpersonal violence, सीढ़ी से गिरने से एंड ऐसे बहुत कारण से हो जाता है। बहुत बार जॉ फ्रैक्चर अनट्रीटेड एंड अनडिटेक्टेड रह जाता है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि आप क्या करें ट्रीटमेंट के लिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस देन प्लीज़ गेट योर सेल्फ एवेल्यूएटेड फॉर हैविंग अ जॉ फ्रैक्चर। सबसे पहला, अगर आपको मुंह के अंदर कोई भी साइन ऑफ ब्लीडिंग लगे आफ्टर द इंजरी, देन प्लीज अपने आप को एवेल्युएट कराएं। नंबर टू, कोई भी दांत हिलता हुआ नजर आए मुंह के अंदर, उसको जॉ फ्रैक्चर के लिए एवेल्युएट कराएं। तीसरा, अगर पूरी हड्डी कहीं से मूविंग लगे उसको जॉ फ्रैक्चर के लिए एवेल्युएट कराएं। एंड लास्टली, अगर आपके दांत पहले जैसे नहीं बैठ रहे, मतलब आपकी ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो गई है, देन डेफिनेटली जॉ फ्रैक्चर के लिए एवेल्युएट कराएं। नाउ बिफोर यू आर एबल टू रीच द डॉक्टर, बिफोर आप इमरजेंसी में पहुंच पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत ही करना शुरू करना है? यस, यू कैन स्टार्ट आइस पैक्स एट होम, अवॉइड ओपनिंग द माउथ टू मच, अप्लाई अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ बैंडेज ऑल अराउंड योर फेस एंड एब्सोल्युटली स्विच इन टू अ लिक्विड डाइट टिल इट इज कन्फर्म्ड कि आपको फ्रैक्चर नहीं है। नाउ जब आप हमारे पास आते हैं, वी डेफिनेटली आपको एवेल्युएट करते हैं, डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं, देखते हैं कि आपका कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें हम फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है, देन फर्दर आपके हम एक्सरेज कराते हैं। एक्सरे आपके जॉज के होते हैं, कभी कभी फुल फेस का भी एक्सरे कराना पड़ता है व्हेन वी फील जॉ के साथ साथ आपके फेस के और भी कोई बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं। अगर आपका जॉ का फ्रैक्चर एक्सरे से कंफर्म हो जाता है, बहुत ब्रीफली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड डिपेंडिंग ऑन विच जॉ इज फ्रैक्चर, आपको उसके कुछ ट्रीटमेंट्स बताऊंगी। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच यू कुड हैव सफर्ड फ्रॉम इज फ्रैक्चर्स ऑफ द लोअर जॉ। लोअर जॉ को मेडिकल टर्म्स में मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल में या तो सिंगल फ्रैक्चर हो सकता है किसी भी हिस्से का, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, चूरे हो सकते हैं जिसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, या जो हमारा TM जॉइंट कान के सामने वाला हिस्सा होता है, कॉन्डाइल जिसको कहते हैं, उसका फ्रैक्चर हो सकता है। अगर बहुत ही सिंगल फ्रैक्चर है जो ज़्यादा हिला हुआ नहीं है, द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट वी गिव इज IMF, इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन, जो एक नॉन सर्जिकल या सेमी सर्जिकल टाइप का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें हम आपके अपर जॉ लोअर जॉ में एक स्टील की वायर फिक्स करते हैं एंड दोनों दांतों के द्वारा, ऊपर और नीचे के दांतों के द्वारा जॉस को टाई अप कर देते हैं। ये टाइड अप कंडीशन आपकी रहती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर फॉर एनीथिंग बिटवीन 4 weeks to 6 weeks। ये सिंपल सिंगल एंड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। जो दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट ऑप्शन जो बहुत पॉपुलर है, वो है अगर आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा हिले हुए फ्रैक्चर्स हैं एंड मल्टीपल एरियाज ऑफ द फेस के फ्रैक्चर्स हैं, देन हमें उन फ्रैक्चर्स को ओपन करके सर्जिकली प्लेट करना पड़ता है ताकि वो दो हिस्से बोन के जुड़ जाएं उन प्लेट्स एंड स्क्रूज के द्वारा। ये यूजुअली जो ये प्लेटिंग होती है, ये जनरल एनेस्थीसिया में करनी पड़ती है एंड ये जो प्लेट्स होते हैं, अक्सर इनको रिमूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज ये बहुत फाइन प्योर टाइटेनियम के मेडिकल ग्रेड प्लेट्स होते हैं। थर्ड, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें प्लेटिंग के साथ साथ हमें फर्स्ट ऑप्शन यानी कि इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, वायरिंग ऑफ द जॉज भी करना पड़े। जब हम हमें प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि पेशेंट का मुंह बंदा रहे, कोई मूवमेंट ना हो उनकी जॉज की, उन केसेस में हम ये दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंबाइन कर देते हैं। इस वीडियो के द्वारा बस आपको मैं बेसिक नॉलेज देना चाह रही थी अबाउट जॉ फ्रैक्चर्स, बट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉ फ्रैक्चर और द सस्पिशन इज देयर, डेफिनेटली अपने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, फिजिकल चेकअप कराएं एंड देन ओनली प्रोसीड फॉर ट्रीटमेंट।